हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफ़ेक्ट। ठीक है, इफ़ेक्ट किसके लिए? सप्लाई वोल्टेज के लिए और दूसरा रहेगा रोटर रेजिस्टेंस के लिए। क्या इफेक्ट पड़ता है? टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था आपको टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बस उसी में सप्लाई वोल्टेज का और रोटर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं सप्लाई वोल्टेज के लिए। तो टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल कंसीडर टू टॉर्क्स। मीन्स हम लोग को अगर सप्लाई वोल्टेज का इफेक्ट जानना है, ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो हम लोग दो केस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोग ये लेंगे कि हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क का क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर मैक्सिमम टॉर्क का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट वन जो रहेगा इफेक्ट ऑन स्टार्टिंग टॉर्क, वी नो दैट टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, मींस टॉर्क का जो इक्वेशन होता है ये होता है हम लोग का टी डी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय स्लिप ई स्क्वायर 20 आर टू डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर 20। मींस अगर आपका स्टार्टिंग टॉर्क ले रहे तो स्टार्टिंग टॉर्क में आप वैल्यू क्या पुट करते हो? स्लिप का 1 पुट करते हो। बस आपको स्लिप का वैल्यू 1 पुट करना है। हमने स्लिप का वैल्यू 1 पुट किया तो हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क के लिए वैल्यू जो मिला ये मिला। ठीक है, फिर इसको आप आगे देखोगे, नीचे जो है हम लोग का आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स 20 का स्क्वायर, मीन्स आप उसे इम्पिडेंस के तौर पे लिख सकते हो, यानी जेड स्क्वायर 20। आपको करना है क्या, आप वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ई 20 को छोड़ के, ठीक है, सब चीज़ को कांस्टेंट मान लेना। देखिए यहाँ पे के आर टू और जेड 20, सो के डैश हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे टी डी स्टार्टिंग टॉर्क के लिए के डैश ई स्क्वायर 20 हो जाएगा और स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा ई स्क्वायर 20 के बराबर होगा, यानी ई 20 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी हम लोग का वी का, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण ई 20 हम लोग का वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी स्टार्टिंग टॉर्क हो गया वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हम लोग का। ठीक है, फॉर इक्वेशन वन इट इज़ क्लियर दैट स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। जो हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई वोल्टेज ही हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क है। इट मीन्स दैट सप्लाई वोल्टेज विल द स्टार्टिंग टॉर्क। अब सेकेंड केस लेंगे मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, के ई स्क्वायर 20 बटे 2x20। ठीक है, ये होगा आपको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लेना, यानी के 2x20 को आपने हमने के डैश मान लिया और यहाँ पे के डैश ई स्क्वायर 20 पुट किया। इसमें भी हम लोग का सेम इक्वेशन आता है, जो हम लोग का मैक्सिमम टॉर्क भी होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी सेम केस होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन टू इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर होता है कि मैक्सिमम टॉर्क भी हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वोल्टेज के स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई वोल्टेज भी क्या मैक्सिमम टॉर्क पे इफेक्ट करेगा। इट इज़ क्लियर दैट मैक्सिमम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। इट मीन्स दैट सप्लाई वोल्टेज विल इफेक्ट द मैक्सिमम टॉर्क। अब दो इक्वेशन हम लोग आया था, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी आर ऑब्जर्विंग इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड स्टार्टिंग एज मैक्सिमम टॉर्क। इफ यू ड्रॉ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व विथ इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज दैन इट विल बी। मीन्स अगर हम दोनों इक्वेशन आपने देखा था, दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे, तो जो हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क था और मैक्सिमम टॉर्क था, उसके लिए आप जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार होगा वो। ये आपका मैक्सिमम टी डी मैक्स 1 होगा, ये मैक्सिमम 2, ये मैक्सिमम 3 रहेगा। ठीक है, ये जो टॉर्क अपने पॉइंट तक अपना बढ़ते जाएगा, ठीक है, एक मैक्सिमम 1 तक जाएगा, फिर वापस से नीचे आ जाएगा, फिर ये मैक्सिमम 2 तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, मैक्सिमम 3 तक, फिर नीचे जाएगा, और वहाँ पे एक जगह स्लिप का वैल्यू हम लोग क्या था, स्लिप 0 रहेगा। फिर स्लिप यहाँ पे हम लोग का ये जगह है स्लिप मैक्सिमम के लिए और फिर ये है स्लिप 1 के लिए, मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क के लिए 1। तो मैक्सिमम टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क ऑन सप्लाई वोल्टेज बाय कीपिंग स्लिप कांस्टेंट। जो मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क होगा सप्लाई वोल्टेज के लिए, उसमें हम लोग स्लिप को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब देखते हैं रोटर रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ता है हम लोग का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इस पे भी डिस्कस करने के लिए हम लोग दो केस लेंगे। फर्स्ट केस जो हम लोग का रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या केस रहेगा, और सेकेंड केस जो हम लोग का रहेगा इसमें वो रहेगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क में आपको क्या पुट करना है, पता है टॉर्क का जो इक्वेशन होता है स्टार्टिंग टॉर्क में, आप स्लिप का वैल्यू 1 पुट करते हो, बस वैसे ही सॉल्व करना है, फिर मैक्सिमम टॉर्क के लिए सॉल्व करना। तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आपका ये होता है, ये देखिए ये होता है स्टार्टिंग टॉर्क के, मीन्स टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क के लिए के ई स्क्वायर 20 आर टू डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, और नीचे जब इसको आप कॉन्स्टेंट मान लोगे जेड,
मीन्स ये जेड स्क्वायर हो जाता है इम्पिडेंस के लिए, तो यहाँ पे हमने ये लिखना छोड़ दिया, तो ये होगा जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ई स्क्वायर 20, ठीक है, बटे जेड, जो हम लोग का नीचे हम लोग का जेड था यानी इम्पिडेंस, तो आपको क्या करना है जेड 20 के स्क्वायर को भी साथ में लेके कॉन्स्टेंट मान लेना है, यहाँ जेड स्क्वायर 20 को कॉन्स्टेंट मान लेना है। फिर जब कॉन्स्टेंट मान लोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्च होगा के डैश आर टू के बराबर होगा यानी रेजिस्टेंस के। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, ये जो हम लोग का इक्वेशन वन, इससे ये क्लियर होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, रोटर का रेजिस्टेंस है, मीन्स रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसे स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जबकि मैक्सिमम में देखेंगे तो वहाँ पे तो रोटर की रोटर रेजिस्टेंस है ही नहीं हम लोग का, यहाँ पे आपको कहीं भी रोटर रेजिस्टेंस दिख रहा है मैक्सिमम पे रोटर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा टॉर्क जो हम लोग का रहेगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा रोटर रेजिस्टेंस से। तो इन दिस केस टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। फिर आते हैं अभी इसका भी कर्व देखते हैं, हेयर इफ़ वी ड्रॉ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व विथ इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस इट विल बी, तो रोटर रेजिस्टेंस के लिए जो कर्व होगा ये देखिए, पहले ये मैक्सिमम तक गया SM1 मैक्सिमम तक, फिर वापस नीचे, फिर ये SM maximum 2 तक गया, फिर ये नीचे, फिर ये थर्ड पे गया, फिर ये नहीं, मतलब पूरा नीचे नहीं होता, ये पैरेलली मतलब ना आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस R1, यहाँ का R2, यहाँ का R3 ऐसे होता है हम लोग का। और जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, ये अपना ऐसे करके ऐसे जाता है, यहाँ पे रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड बराबर रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है, SM रहता है, यहाँ पे 1 रहता है। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 3-phase इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट और फिर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं फेजर डायग्राम भी बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस में आपको सबको रेजिस्टेंस को छोड़ के सबको कांस्टेंट मानना है, और वोल्टेज के केस में वोल्टेज को छोड़ के सबको कांस्टेंट मानना है, और स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप का वैल्यू 1 पुट होता है। ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है, आपको याद रखना होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।